तो राइडर वेट टैरो कार्ड हिस्ट्री हम जानेंगे कि जो हम सीखने वाले हैं वो हम क्यों सीख रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, या आया कहाँ से ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम जानेंगे अभी हिस्ट्री ऑफ राइडर वेट टैरो कार्ड, इसको यही नाम क्यों दिया गया ये भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये है पोमेला कॉल स्मिथ, और जो राइट हैंड साइड पे है वो है एई वेट। ठीक है, तो ये जो एई वेट है इनकी ये संकल्पना थी कि ऐसे टैरो कार्ड होने चाहिए। फिर जो पोमेला कॉल स्मिथ है, इन्होंने ये जो पेंटिंग नजर आ रही है ना हमें, ये जो सारी स्केचिंग नजर आ रही है कार्ड के ऊपर, ये सब कुछ जो है वो इन्होंने ही बनाया हुआ है। अब ये दोनों ने मिलके ये टैरो कार्ड जो है ये बनाए हैं, राइडर वेट इसको नाम दिया गया है। ये दोनों जो है वो हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ गोल्डन डाउन इस कम्युनिटी के सदस्य थे, मेंबर्स थे। अब ये क्या है, जैसे कि हम कहते हैं हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑकल साइंस में काम करते हैं, तो इसका कुछ नींव तो होगा, जैसे सिस्टम होती है उसी प्रकार से 19 में ऐसे ही गोल्डन डाउन एक कम्युनिटी थी जो टैरो कार्ड के ऊपर रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, ये सारी चीजें सारे काम करती थी। तो ये जो टैरो कार्ड बनाए गए ये राइडर कंपनी ने बनाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया राइडर वेट, एई वेट की संकल्पना थी तो राइडर वेट। ठीक है, और पॉमेला कॉल्समिथ ने इतना सुंदर पेंटिंग किया है, इसके लिए उनको हर एक कार्ड के ऊपर ट्रिब्यूट दिया गया। वो कैसे, मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ये इनका पेटेंटेड है, यही ओरिजिनल राइडर वेट के कार्ड्स होते हैं जो आप ऑनलाइन परचेस करेंगे, जो मैं लिंक आपको शेयर करूंगी उससे आप परचेस कर लो। इसके अंदर सिम्बोलॉजी है, सारी जो अब तक हमने बेसिक सीखा वो सब कुछ इसके अंदर ही है। और ये जो कार्ड नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये कार्ड का जो बैकग्राउंड है जो रोजेस एंड लिलीज से बना हुआ है, यही ये पेटेंटेड था इनका, अभी तो पेटेंटेड नहीं है लेकिन यही चलता आ रहा है। तो पेटेंटेड नहीं है तो कुछ लोग जो है इसको कॉपी पेस्ट भी मार रहे हैं, तो ओरिजिनल नहीं समझ में आता कि कैसे ओरिजिनल को पता करें। तो ये कार्ड बने कब, डिजाइन कब हुआ है, 1909 में। ठीक है, फिर ये मार्केट में बहुत सारे कार्ड्स है, आप देख रहे हैं, आप ऑनलाइन भी रिसर्च किया होगा तो आपको बहुत सारे कार्ड नजर आए, किस कार्ड में कलर्स ब्राइट किए गए हैं, किस कार्ड्स में कलर्स थोड़े डार्क किए गए हैं, किसी को बॉर्डर नहीं की गई, किसी को बॉर्डर की गई है, किसी के बैकग्राउंड जो है वो अलग है, बैक पेज जो है वो अलग है, लेकिन ओरिजिनल कौन है, यही ओरिजिनल है। और कैसे पता करेंगे ओरिजिनल, तो ये जो सिग्नेचर नजर आ रही है यहाँ पे, ये सिग्नेचर है पॉमेला कॉल स्मिथ की। तो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए सारे कार्ड्स के ऊपर ये सिग्नेचर है, ईच एंड एवरी कार्ड के ऊपर ये सिग्नेचर है। तो ये सिग्नेचर है इसका मतलब ये कार्ड ओरिजिनल है। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कॉपी पेस्ट मारते हैं लोग तो समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब इंट्यूशन जुड़ जाते हैं, और ओरिजिनल राइडर वेट से ही मंगा लीजिए आप, जो मैं लिंक आपको शेयर करूंगी, तो वो ओरिजिनल आपके पास आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो बने ये कैसे बने। यहाँ पे पॉमेला कॉल स्मिथ राइडर वेट, हमारे एई वेट जो है ये सिटी है, ठीक है, द हील ऑफ हार्ट डिजायर इसको कहते हैं। तो ये जो सिटी है, इस सिटी के अंदर आपको कैसल नजर आएगा, जो किला है वो नजर आएगा, इसमें छोटी छोटी चीजें है ना, यही सब पेंटिंग की गई। क्योंकि उस जमाने में जैसे आप भी पेंटिंग करते हो, आप नेचर की पेंटिंग करते हो, तो आप नेचर में क्या डालोगे, पहाड़ डालोगे, नदी डालोगे, सूरज डालोगे, पंछी डालोगे, जो है वही डालोगे। तो ये कार्ड्स कैसे बने हुए हैं, ये कार्ड्स भी उस जमाने के लोगों को देखकर, क्योंकि आप देखेंगे कार्ड के अंदर कपड़े भी वैसे ही है नाइन्टीज के, तो ये जो है ये है लैंड द हील ऑफ हार्ट डिजायर। ये आर्टिकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इत्मीनान से इसको पढ़िए, इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर ये कैसे आया, कुछ कुछ कुछ। तो हर एक जो कार्ड है ना ये सिटी से ही बनाया हुआ है, हर एक इंसान जो है इस सिटी के अंदर का ही है। तो इससे जो कैसल नजर आ रहा है, तो हर एक कार्ड में जितने भी कैसल्स है वो सेम यही है, किले जो है ये सेम यही है। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री है इसकी। अब हम जानेंगे कि इसको चार्ज कैसे करते हैं। हिस्ट्री क्लियर है, और थोड़ी सी हिस्ट्री और बता देते हैं आपको। तो
राइडर वेट ये जो है, या फिर एई वेट जो है, क्यों इनके दिलो दिमाग में आया ये कार्स बनाना? तो सबसे पहले इसका जो हम कहते हैं ना फुटप्रिंट्स, इसके जो ट्रेसेस है जिसकी खोज हुई, वो 15वीं शताब्दी तक हुई है। इससे पहले भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो प्रूफ्स मिले हुए हैं इजिप्ट के मिले हुए हैं 15वीं शताब्दी तक, तो ये वहां से चलता आया है। तो सबसे पहले एक टारोची नाम का गेम था, जैसे पत्तों का गेम नहीं होता, हम कार्ड्स खेलते हैं ताश के पत्ते, उसी प्रकार से ये पत्तों का एक गेम था। लेकिन धीरे धीरे ये गेम खेलते खेलते इनको ये पता चला कि ये कार्ड्स भी हमसे बातें करते हैं। तो जब ये पता चला तो ये कार्ड्स बनने लगे। तो हर एक प्रांत के, हर एक, जैसे हमारी भाषाएं अलग अलग होती है हर एक अलग अलग जगह की, उसी प्रकार से हर एक कार्ड अलग अलग बनने लगा। तो इतने ज्यादा कार्ड्स हो गए। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये कब तक चला, 18 सेंचुरी तक चला। 18 सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो टैरो कार्ड्स है ये ब्लैक मैजिक के साथ कनेक्ट हो गए। जो विचेस का राज था ना, जो हम कहते हैं चुड़ैलों का राज, तो ये 18 सेंचुरी में ज्यादा होने लगा। तो बहुत सारे विचेस को मारा गया, ये टैरो कार्ड्स को बैन कर दिया गया कि ये कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर एक कम्युनिटी बैठ गई कि कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ये ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए, बहुत खतरनाक भी है। तो ऐसे करके ये कम्युनिटी डेवलप हुई। जब 1990 मतलब 1909 तक क्या हुआ, मतलब तीन तक बेसिकली, बहुत सारे कार्स होने की वजह से ना इसकी नींव समझ में नहीं आ रही थी, इसकी नींव क्या होनी चाहिए। तो ये काम सौंपा गया एई वेट को और पोमेला कॉलस्मिथ को। फिर इन दोनों ने क्या किया, रिसर्च किया सारे टैरो कार्ड का और एक निचोड़ निकाला कि ये होना चाहिए, और फिर फिक्स करके उसको एक पिक्चर में डाला ताकि रीडिंग अच्छे तरीके से आए। तो इस तरीके से शुरुआत हुई 15वीं शताब्दी से 1909 तक की। इसके बाद टैरो कार्ड आए या नहीं, हाँ आए रहे, लेकिन इसी का बेस लेकर आए, कुछ नया इन्वेंट अब तक नहीं हुआ। अब आप मार्केट में देखोगे टैरो कार्ड छोड़ के ओरैकल कार्ड्स भी है, जैसे एंजल कार्ड्स है, विष्णु कार्ड्स है, शिव कार्ड्स है, साई बाबा कार्ड्स है, ऐसे जो कार्ड्स आ रहे हैं उसको कहते हैं ओरैकल कार्ड्स, जो 78 नहीं होते, वो 22 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसको ओरैकल कार्ड कहते हैं। तो दो डिफरेंट तरीके होते हैं, टैरो कार्ड अलग होता है, ओरैकल कार्ड अलग होता है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, गाइडेंस देना, सही मार्ग पे लेके आना। ठीक है, यह हो गई हमारी हिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि इसको, जब आपके पास टैरो कार्ड आ जाएंगे तो बहुत सारी डिलीवरी होगी ना, बहुत सारे लोग छू कर आएंगे, हर किसी की एनर्जी उसके अंदर होगी। तो हम क्या करते हैं, उसको पवित्र करते हैं, सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं, उसके अंदर एनर्जी जीरो रखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कार्ड आए, आपने खरीदे, उसको खोला अच्छे तरीके से, फिर उसके अंदर आपने इंट्यूशन डाली कि ये कार्ड अब पूरी दुनिया से कहाँ से भी आए हो, अब ये मेरे हैं, अब ये मुझसे जुड़ेंगे, जो मैं इनसे पूछूंगी वो मुझे अच्छे अच्छे सही जवाब देंगे, मुझे, मेरे परिवार को, और जो भी मेरे क्लाइंट मेरे पास आएंगे उनको। ये इंट्यूशन जो है, ये वी कैन से अफर्मेशन जो है, वो कार्ड के अंदर आप डालोगे उसको प्रणाम करते हुए। फिर उसके बाद आप मेडिटेट करोगे। मेडिटेशन कैसे करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, कार्ड को पकड़ के। फिर शफलिंग है, कार्ड को शफल करना होता है। कुछ लोग पत्तों की तरह पीसते हैं, मैं पत्तों की तरह नहीं पीसती हूँ, मैं शफल करती हूँ उसको। मैं दिखाऊँ, तो ये है राइडर वेट के ओरिजिनल कार्ड्स। इसके अंदर आपको दो कार्ड और मिलेंगे, एक ये मिलेगा ठीक है, और एक पॉमेला कॉल स्मिथ की पूरी जानकारी है इसके ऊपर। ठीक है, ये दो कार्ड इस्तेमाल नहीं करने शफल के वक्त या कोई भी क्वेश्चन पूछते वक्त, ये बस जानकारी के कार्ड्स है। अब जैसे कि ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, यही बैकग्राउंड है सेम। अब इसको पीसने का तरीका, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे उठाओ, ये ऊपर डाला 7 बार, 1 2
चार, ऊपर नीचे भी करना है क्योंकि अगर लॉजिक लगा है तो जब हम ऐसे शफल करते हैं तो नीचे का कार्ड ऊपर आ जाता है, तो हमें तो पता है कौन सा कार्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा शफल करते वक्त अच्छे से शफल करना है। अब कभी कभी क्या होता है ना, शुरुआत में बहुत सारे कार्ड गिरते हैं तो इसको डिवाइन कार्ड्स भी कहते हैं, लेकिन आप अभी शुरुआत में जब आपका एडवांस या प्रोफेशनल लेवल चलेगा ना, उस वक्त आप डिवाइन कार्ड रीड कर सकते हो। तब तक आपका हाथ से गिरा हुआ जो कार्ड है वो वापस रखना है, फिर शफल करना है, ठीक है? तो ये हो गया 7 बार, ठीक है? इसको कहते हैं शफलिंग, ठीक है? इसके बाद है, अब इसको ब्लो करना है, सब फूक मारते हैं ना हम, फूक से भी चीजें करते हैं। जब हम किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास समय नहीं होता इसको इतना चार्ज करे, इसको क्लीन करे, क्योंकि क्विक क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास जब हम प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी काम करते हैं, तो उस वक्त शॉर्टकट्स है, जैसे ब्लो किया, ठीक है? फिर इसका कटिंग होता है ऐसे, क्योंकि इसके अंदर तो क्वेश्चन डाला है हमने, इसको एक ही क्वेश्चन पता है, हम दूसरा क्वेश्चन डालेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं जवाब किसका दूं, तो इसके लिए एनर्जी कट करनी होती है, इसको कहते हैं कटिंग, ठीक है? अब ये कट क्यों करना होता है, आपने पोल सीखा होगा, चुंबकीय तत्व, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसी एनर्जी बहती है, ऐसी एनर्जी बहती है, बराबर? तो जब हम किसी प्रश्न को डालते हैं तो उस प्रश्न की ऊर्जा, हमारी क्लाइंट की ऊर्जा, हमारी ऊर्जा इसके अंदर आ जाती है, तो जब हमारा प्रश्न खत्म होगा तो इसको हम कट कर रहे हैं ना, तो ये कटिंग क्या हो गई, वो जो एनर्जी है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है? योगी कटिंग। उसके बाद है, किसी के भी घर में जाना हो, किसी को भी सवाल पूछना, तो पहले हम पूछते हैं ना उसे कि क्या मैं सवाल पूछूं या फिर क्या मैं घर के अंदर आऊं, तो हम क्या करते हैं, नॉक करते हैं, दरवाजे को भी नॉक करते हैं ना ऐसे, क्या मैं अंदर आऊं, तो वैसे ही इसको भी नॉक करना है 3 टाइम, ठीक है? उसके बाद इसको चार्ज कैसे करना है, तो आप क्रिस्टल रख सकते हैं, सेलिनाइट रख सकते हैं, क्लियर कॉर्ड क्रिस्टल रख सकते हैं। अभी क्रिस्टल का नॉलेज अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके बोनस में आपको वो पता चल जाएगा कि कितने क्रिस्टल होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो क्रिस्टल से भी आप चार्ज कर सकते हैं इसको। चंद्रमा के प्रकाश में इसको विंडो के पास रख सकते हैं, खुला रखना है, बॉक्स में नहीं रखना, ठीक है? उससे भी ये चार्ज होते हैं। सनलाइट, सन जो सूरज की किरणें होती है सुबह की, उसमें भी रख सकते हैं। चंद्रमा और सन की ऊर्जा एक साथ नहीं देनी, अगर सूर्य की दे दी है तो एक हफ्ते बाद चंद्रमा की दो, ठीक है? फिर धुआं दे सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, सेज होता है वो भी जला सकते हैं, कुछ धूप कांडी आती है वो जला सकते हैं, उससे भी क्लीन कर सकते हैं जैसे हम पूजा पाठ में करते हैं। नमक रख कर भी इसको आप क्लीन कर सकते हैं। फिर सिंगिंग बॉल होता है, सिंगिंग बॉल को ऐसे घुमा के साउंड देके, जो साउंड थेरेपी होती है उससे भी इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद अगेन धूप दे सकते हैं कुछ कुछ चीजों में। फिर इसको आप क्लीन करने के बाद, ये क्लीनिंग हो गई ना पूरी, इसके बाद इसको पकड़ के प्रार्थना करनी है कि हे टैरो कार्ड, मुझे कुछ नहीं आता, हे ईश्वर मुझे कुछ नहीं आता, आप ही हो जो मेरी जबान से मेरे क्लाइंट को, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को मार्गदर्शन दिखाओगे इस कार्ड के जरिए, तो मेरा कनेक्शन आपके साथ ऐसा बैठ जाए कि दिल दिमाग मेरा पूरी तरीके से इसके अंदर आ जाए और मैं सही तरीके से लोगों को बता पाऊँ, ये शक्ति मुझे देना, ये इंट्यूशन इसके अंदर डालनी है, डन। तो इस तरीके से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो आपके पास जब टैरो कार्ड्स आ जाएंगे तो इसको चार्ज कैसे करना है, प्लैनेट प्लैनेट कैसे करते हैं बता, तो हमारे कितने प्लैनेट है, 9 प्लैनेट है, नवग्रह बोलते हैं हम, तो नवग्रह का मंत्र होता है, हर एक कार्ड का नंबर है, जैसे नंबर 1 का कार्ड है तो नंबर 1 का मंत्र बोला, नंबर 2 का कार्ड है नंबर 2 का मंत्र बोला, तो इस तरीके से आपको नंबर सिस्टम में भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे होता है। अभी सुनिए, चलेगा। फिर आपको नंबर सिस्टम के टाइम पे ये तो मैं आपसे करवाऊंगी ही। उसके बाद होता है 7 चक्र, शरीर में जैसे 7 चक्र होते हैं, कार्ड के अंदर भी 7 चक्र होते हैं, तो 7 चक्र के मंत्र होते हैं, उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं इसको। फिर आप जिस भी ईश्वर को मान रहे हैं, जिस भी
आप एंजल को मानते हैं, उनसे प्रार्थना कर कर भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड के साथ। अब तक हमने जो सीखा वो सीखा क्लींजिंग हिस्ट्री, अब हम जानेंगे कर्म थ्योरी। ठीक है, कि कर्म थ्योरी क्या होती है, ये रख दूं। तो अब हम जानेंगे कर्म थ्योरी। तो आपको तो पता है, जैसे को तैसा, जो करोगे वो भरोगे, यही कर्म थ्योरी है। लेकिन किस तरीके से करना है और किस तरीके से भरना है, इसी को हम जानेंगे। भगवद गीता इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द कर्म थ्योरी, जिसमें हमें सारे कर्मा पता चलते हैं। तो बेसिक हमारे कर्म कितने होते हैं, कर्मा कितने होते हैं, तीन कर्मा होते हैं, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और आगामी कर्म, जिसको हम क्रियामान कर्म भी कहते हैं। तो संचित कर्म क्या है, हमारे जितने भी अब तक जन्म हुए हैं, तो फिर हम किसी जन्म में पंछी बने हैं, किस जन्म में हम एनिमल बने हैं, कुछ भी पेड़ बने हैं, जो भी हम बने, वो है हमारे संचित कर्म। कि उतने सारे जन्मों का जो कर्म है वो इकट्ठा एक बैंक में स्टोर है, जो हमारे अगर हिंदू धर्म के अनुसार बात करें तो वो सारा हमारे किसके पास है, शनिदेव के पास, काल भैरव जी के पास, यमदूत यम लोक में है वो सारी चीजें। तो ये जो संचित कर्म है, इसमें से कुछ कर्म हमें मिलते हैं जो हम जिंदगी अभी जी रहे हैं। अगर हम कैलकुलेशन के ऊपर बात करें, तो अगर हमने सोचा कि 10,000 संचित कर्म है हमारे, तो एट ए टाइम 10,000 नहीं मिलते हमें, उसमें से 100% मिले हमें जो प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध का मतलब क्या होता है, आप किसके घर पैदा होंगे, आप कौन से तारीख को पैदा होंगे, आपका भाई होगा या नहीं, आपकी बहन होगी या नहीं, आपको बच्चे होंगे या नहीं, ये जो सारी चीजें होती है ये प्रारब्ध के अंदर आती है। आप कितने रईस होंगे, कितने नहीं होंगे, ये सारी चीजें प्रारब्ध के अंदर आते हैं। आपके मेजर एक्सीडेंट जो होते हैं, आपके जीवन के जो बहुत ऊपरी और डाउन चढ़ाव होते हैं, वो सारे प्रारब्ध में आते हैं, जो कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। हम क्या बदल सकते हैं, प्रारब्ध कर्म हम कभी नहीं बदल सकते, हम माँ बाप नहीं बदल सकते, हम बच्चे नहीं बदल सकते, राइट? तो ये होता है 60% प्रारब्ध कर्म। अगर हम इस जन्म की 100 वर्षों की बात करें, तो 60 साल ये प्रारब्ध चलता है। तो ऐसे नहीं कि जन्म से लेके 60 साल तक चलेगा, ये बीच बीच में चलता रहता है, ये मिक्सअप होता है सब, नहीं तो इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जिंदगी जी ही नहीं पाएगा। उसके बाद होता है आगामी कर्म, जो होता है क्रियामान कर्म, जो इस जन्म में हम करते हैं। इस जन्म में भी तो कुछ तो करेंगे हम, उसका फल भी हमें मिलेगा। जैसे एजुकेशन है, हम शिक्षा ले रहे हैं, जैसे कि आप टैरो सीख रहे हैं, आप अभी क्रिया कर रहे हैं, उसका आगामी क्या मिलेगा, आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करोगे या पैसे कमाओगे अलग अलग तरीके से, ये भी होता है, जो किया वो मिलेगा। अब ये जैसे हम पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करें, वैसे भी नेगेटिव चीजों का कर्मा भी तो है। अगर आपने कुछ नेगेटिव किया है तो आपको नेगेटिव भोगना पड़ेगा। हम सारे टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर जो भी रेमेडीज देते हैं ना, वो हम ये 40% में देते हैं आगामी कर्म, क्रियामान कर्म, उसी से प्रारब्ध की चीजों की तीव्रता कम कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। जैसे कि किसी के लाइफ में लिखा है कि इस समय इसका एक्सीडेंट होकर रहेगा, तो वो होकर रहेगा। अगर हमने उसको कुछ रेमेडी दी है, तो उसका पैर कटने वाला होगा तो उसको पैर को चोट लग जाएगी, इतना हम बदल सकते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये होता है हमारा कर्म, जिसको हम कार्मिक थ्योरी भी कहते हैं। जो कार्मिक थ्योरी है वो आप जानेंगे टैरो कार्ड के अंदर, धीरे 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 कैसे होती है। लेकिन अब तक हमने जो बेसिक सीखा, ये सारा बेसिक आपको आ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, ताकि आपके रीडिंग के टाइम पे आपको आसानी रहे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन हो गया है बेसिक का खत्म। तो इसमें आपको क्या समझ आया, और फिर क्या क्या चीजें हैं जो आपने नई से जानी, अब तक नहीं पता थी, अलग से पता चला? कार्ड के बारे में, जैसे अलग अलग 14 कार्ड हैं, चार जगह जो बटे हैं उनके बारे में नहीं जानकारी थी। जैसे 78 कार्ड होते हैं, जिनमें से 20 कार्ड हमने अलग निकाले और चौदह चौदह चार अलग, जी 10 कार्ड अलग हैं, 4 कार्ड अलग हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी भी जानकारी है, अभी नाम वगैरह
मुझे आ इसमें जाएगा पढ़ पढ़ जाएगा, आज तो पढ़ पहला पढ़ी हूँ। दिन हाँ जी, तो जी। ये वायु तप हो गया, जैसे ये सब आपने कार्ड के फोटो के हिसाब से ही पता कर लेंगे कि भाई कौन सा कार्ड किस उसमें जाता है, वायु में, धरती में, या अग्नि तत्व है, ये सारी जानकारी। तो थोड़ी थोड़ी जैसे जो मेरे को थोड़ा सा आता है तो मेरे को दिख समझ आ रहा है। रहा है। तो अब थोड़ा सा और देखूंगी, जानकारी लेती हूँ, फिर बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएगा। बस थोड़ा याद करने में लगेगा मुझे समय, और याद हो एक जाएगा हफ्ता लगता थोड़ा। है, मैम उसके बाद सब जैसे, आ जाता है। हाँ मैम जैसे थोड़ा सा इसका हिंदी का कुछ वैसा नहीं है कि जैसे हिंदी लिखी आए तो, ऐसा कुछ नहीं है? क्या नोट्स हाँ आपको, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, अभी तो हमने पूरी हिंदी में बात की है, आप अपने हाँ नोट्स हिंदी जी, में बना लीजिए, क्योंकि कैसे है ना कि अच्छा यूनिवर्सल इंग्लिश में ही बनाया हुआ है। इससे पहले मैंने कुछ कुछ बना के रखे हैं, वो मैं आपको भेजती हूँ, जो हिंदी में ही प्रॉपर लिखे हुए, ठीक जी ठीक है। है। तो इससे आप हिंदी में लिख सकते हो वो सारी चीजें। जैसे आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, फिर मैं सारी चीजें आपको भेज दूंगी, तो फिर आप जी इत्मीनान से लिख सकते हैं, क्योंकि वो पूरा हिंदी में ही लिखा है। इवन आप मुझे बोलोगे मैम इसको आसान में बताओ, ये प्रॉपर हिंदी है, समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो प्रॉपर हिंदी है, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है वो नोट सारे। अच्छा हाँ, उसको फिर हिंदी में करना पड़ेगा नहीं मतलब हमें जैसे। डेली की हमारी हिंदी अलग होती है ना, और हाँ लिखा वो अलग लिखने वाली होती हिंदी है, अलग वो होती है, प्योर होगा ना, संस्कृत प्योर की है। होगी। हाँ प्योर हिंदी हाँ वो तो मैं थोड़ा समझ लेती हूँ, पर ये वैसे तो पढ़ लूंगी, लेकिन मुझे याद करने के लिए थोड़ा वैसा चाहिए नहीं, आपको ये रिकॉर्डिंग, आप ही की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ऐसे नहीं है कि ये पहले किसी की हो चुकी है और फिर आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको अपनी अभी। आपकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, ऐसे नहीं कि आज की रिकॉर्डिंग आज ही मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है, सेटिंग में टाइम लगता है, तो ये मिलेगी, ठीक है। अभी तो आज तो पहला दिन है, आज हमने बस हाँ ओवरव्यू देखा है, धीरे धीरे हो जाएगा अच्छे से। नहीं आ गया समझ में काफी कुछ, बस वही ये थोड़ा सा रीडिंग करूंगी, थोड़ा थोड़ा तो आएगा, जो आपके साइड से है वो ठीक आप 100% दो, मेरे साइड से मैं 200% दूंगी। होगा। बिल्कुल नहीं आ जाएगा, मैं पूछ भी लूंगी दोबारा, कुछ बिल्कुल, नहीं आप आएगा। हाँ कभी भी। जी यस जी तो चलिए अभी हम देखते हैं मैम, नेक्स्ट, ठीक है।